जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जी हाँ, आज मंगलवार का दिन है, यानी कि हिंदू धर्म में आज के इस दिन की क्या मान्यता है ये तो हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में बताया ही, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ खास मंत्रों के रहस्यों को भी, जिनका जाप करने मात्र से ही आपके जिस भी कार्य में बाधा आ रही है वो पूरी हो जाएगी, वो बाधा खत्म हो जाएगी। और ये सब हम जानेंगे विस्तार से, कुछ अहम रहस्यों को जानेंगे, मंत्रों को जानेंगे। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हनुमान। लेकिन इससे पहले कि हम आचार्य जी से यहाँ पर मंत्रों के बारे में जाने, रहस्य के बारे में जाने, या फिर वो मंगल दोष जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आचार्य जी ये कहते हैं कि हनुमान जी का अस्तित्व जो है वो श्री राम के बिना नहीं है, मतलब जो उनका अस्तित्व है वो श्री राम की वजह से ही है। जी बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात अपने रिपोर्ट में कही कि हनुमान जी को भगवान श्री महादेव का रुद्रावतार मानते हैं, अंशावतार यानी 11वां स्वरूप माना जाता है। और हमारे धर्मशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि राम काज को संपन्न करने के लिए महादेव शिव ने यह स्वरूप धारण किया था। और भगवान श्री हनुमान को कलयुग में इतनी जो मान्यता प्राप्त हुई है, या यूं कहें कि जन जन के जो कष्ट हरने की शक्ति प्राप्त हुई है, वह भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से प्राप्त हुई है। उत्तर रामायण में ऐसे संदर्भ प्राप्त होते हैं जिसमें यह प्राप्त होता है, ये जानकारी मिलती है कि माता सीता ने हनुमान जी को अपना धर्म पुत्र माना था और कलयुग में कष्टों को, आम जन के कष्टों को हरने का जो सामर्थ्य है वो उनको भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से ही मिला। और भगवान हनुमान जो है वह श्री राम के इष्ट है और श्री राम जो है वह महादेव के इष्ट है, तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दे करके कलयुग में स्थापित किया है कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आपकी पूजा आराधना करता है तो महादेव की कृपा से, भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से हनुमान जी उस व्यक्ति के जन के कष्ट को निश्चित तौर पर दूर करेंगे। बिल्कुल। तो जय जय बजरंग बली, हमारा ये खास कार्यक्रम आज का, जिसमें सिर्फ वो 5 मंत्र आचार्य जी हमें यहाँ पर बताएंगे। तो आचार्य जी, बिना देर किए हम पहले 2 मंत्र जो हैं अपने अगर दर्शकों को बता दें तो कौन से वो 2 मंत्र आप शुरुआत में बताएंगे जो कि उद्धार कर देंगे, बेड़ा पार कर देंगे भक्तों का, दर्शकों का? जी बिल्कुल। देखिए, जो पहला मंत्र है वह मंत्र है ओम रुद्र वीर समुद्र भवाय नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को उस परिस्थिति में करना चाहिए जब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही दुर्गम से दुर्गम कष्टतम परिस्थिति में घिर जाए और उसको कोई उसका रास्ता ना मिले। दूसरा मंत्र है ओम शांताय नमः। जब आपके मन में बहुत ज्यादा उद्वेग चल रहे हो, मन बहुत परेशान हो, तो ऐसे में आपको ओम शांताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से आपके मन को शांति प्राप्त होगी और आपके मन में जिस भी कारण से चिंता व्याप्त है, जिस भी परेशानी को लेकर के आप जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, महाबली हनुमान की कृपा से आपको रास्ता, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग अवश्य मिलने लगेगा। बिल्कुल। और बजरंग बली जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो काल भी नतमस्तक हो जाता है उनके आगे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आपकी इस जो भी यहाँ पर एक इच्छा आप लिए बैठे हैं या जो भी आपके मन में है जिसमें बाधा आ रही है, क्यों नहीं उसको पूरा करेंगे? कोई भी ऐसा अमंगल कार्य जिसको मंगल ना करें हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, इससे पहले कि हम हनुमान जी के बाकी मंत्रों के बारे में यहाँ पर जाने, आचार्य जी हम यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि मंत्रों के बारे में अक्सर बात हम जरूर करते हैं लेकिन कितने
कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, अगर थोड़ा ये हम अपने दर्शकों को समझाएं तो शायद ज्यादा इजी उनके लिए होगा कि क्या मंत्र होते हैं, क्या उनका महत्व होता है। जी बिल्कुल। देखिए मंत्र मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है बीज मंत्र है। बीज मंत्र जो होता है वह देवी देवताओं की स्वयं की अपनी शक्ति होती है, बीज स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद वैदिक मंत्र होता है जो हमें शास्त्रों में वेदों में प्राप्त होता है। तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि शाबर मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में खासतौर पर तंत्र के आगम शास्त्रों में ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि भगवान महादेव एक बार बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए जब उन्होंने, क्योंकि तंत्र मंत्र के रचयिता और संपूर्ण सृष्टि के अगर आदि गुरु कोई माने जाते हैं तो वो महादेव शिव हैं। तो उन्होंने देखा कि तंत्र मंत्र उन्होंने जन कल्याण के लिए बनाए थे लेकिन उसका प्रयोग जो है एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, अपनी दुश्मनी और अपना प्रतिशोध निकालने के लिए लोग करने लगे। तो भगवान शिव जो है वो क्रोध में आकर के सभी मंत्रों को उन्होंने कीलित करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं आज जितने भी तंत्र के प्रयोग हैं सबसे पहले उनका उत्कीलन करना पड़ता है। तो माँ पार्वती ने सोचा कि अगर सभी मंत्र कीलित हो जाएंगे तो फिर आम जन का लाभ कैसे होगा, तो उन्होंने शाबर मंत्र को जो है छुपा लिया जो भगवान महादेव की दृष्टि के समक्ष नहीं पड़े और कीलित होने से बच गए। इसलिए शाबर मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपने अनजाने में भी गलत प्रयोग कर लिया तो निश्चित तौर पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये बहुत अहम बात जो आपने यहाँ पर बताई है क्योंकि तंत्र मंत्र की जो यहाँ पर बात हो रही है वास्तव में आजकल में सुनने में भी यही मिलता है कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए या खुद के किसी यहाँ पर कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है, किसी को नुकसान आपको पहुंचाना है, किसी से ईर्ष्या है, तो तब वहां पर देखा जाता है। लेकिन इनका जो प्रयोग है वो बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बहुत ही देख कर करना चाहिए, सोच कर करना चाहिए क्योंकि कुछ का कुछ हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भेद कैसे करें, ये जो मंत्र आपने तीन अहम बताए हैं इसमें भेद कैसे करें? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको प्रकार बताया वह बीज मंत्र है। बीज मंत्रों की शक्ति कल्पना वृत्ति में होती है, शब्दों में नहीं होती। शास्त्रों में बीज मंत्र को गोपनीय रूप में बताने का निर्देश दिया गया, इसीलिए कहते हैं श्रुति और स्मृति से इसका दान करना चाहिए। या तो आप सुन करके अपने गुरु अपने आचार्य से आप सुन करके प्राप्त करें और उसके बाद उसको आप स्मृति से आप उसको अपने दिमाग से याद कर लें, कहीं लिख करके इसका प्रमाण नहीं मिलता। बीज मंत्रों का उच्चारण हमेशा हृदय में गुप्त रूप से किया जाता है। वहीं जब बात आती है वैदिक मंत्रों की तो वैदिक मंत्र इन मंत्रों में उच्चारण को संगीत के स्वरों में बांध करके उसकी शक्ति को मृदु बनाया जाता है। वैदिक मंत्रों में भाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। जितनी भी रामायण गीता अथवा अन्य पाठ आदि हैं वे सभी भाव पर आधारित हैं। वैदिक मंत्रों का पाठ अर्थ को समझ करके या भाव बना करके करने से अधिक फलदायी होता है, ऐसा समझना चाहिए। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है हनुमान जी के लिए कि अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो भय नहीं लगता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो भी है वो सब दूर भागते हैं। तो फिर क्या विधान है इसे करने का, कुछ ऐसा खास विधान भी आप बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए हनुमत साधना का सबसे शक्तिशाली माध्यम और सबसे सरल माध्यम जो है वह हनुमान चालीसा को माना जाता है। जो भी व्यक्ति नित्य सुबह प्रातः काल उठ करके और उसके साथ साथ संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, कोई उसे परेशान या प्रताड़ित नहीं कर सकता, उस पर कारागार इत्यादि का कोई संकट कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार अर्थात जेल की स्थिति में हो जाना पड़ जाए तो उसे संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, अपने किए गए पापों के लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से कभी भी किसी भी प्रकार के कुकर्म न करने का संकल्प लेते हुए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति 108 बार पाठ और जाप करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जो भी कारागार की स्थिति होगी उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और हनुमान चालीसा का जो आपने प्रयोग पूछा, सबसे खास प्रयोग ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में संदर्भ मिलता है कि रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के समय में पश्चिम मुख खड़े होकर के लाल वस्त्र धारण करके अगर कोई व्यक्ति 108 पाठ 40 दिन तक नियमित करता है हनुमान जी के समक्ष, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, जब आपको लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और अब ये एकदम अंतिम समय आ गया है, तो अंतिम समय में ये 40 दिन का प्रयोग कर लेना चाहिए। जीवन में हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वह कोई राजकीय पक्ष से कष्ट हो, आपके जीवन में कोई आर्थिक व्यापारिक कष्ट की स्थिति
स्थिति आई हो, रोग या इस तरीके का कोई शोक हो, उससे भी आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे वो खुद बजरंग बली है, जैसी ताकत खुद में है, वैसी ही थोड़ी सी पावर आपको भी कहीं ना कहीं देते हैं। और जिस तरीके से आचार्य जी ने लाल रंग की यहाँ पर बात कही तो वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और चलिए, खैर, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा एक जो प्रयोग है, उपाय है, वो आपको आचार्य जी ने कहा है कि अगर आप इसको डेली करते हैं, रूटीन में अपने लाते हैं और इसको पूजा अर्चना करते हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आप सुबह शाम करें, अगर एक टाइम भी कर लें लेकिन श्रद्धा पूर्वक करें तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आचार्य जी, बजरंग बाण के बारे में आप हमें बताएं कि आखिर बजरंग बाण क्या है। जी बिल्कुल, देखिए, बजरंग बाण बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को कष्ट दे देते हैं जिससे उनके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मुंह फट है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं उनके इस व्यवहार, उनकी इस प्रवृत्ति के कारण। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरीके से अच्छे हो, आप बहुत लोगों से स्नेह पूर्वक बर्ताव करते हो, लेकिन आपकी उन्नति से, आपकी वृद्धि, आपकी तरक्की से लोग ईर्ष्या करने लगे, आपसे जलने लगे और आपके विरुद्ध, आपके पीठ पीछे किसी प्रकार का षड्यंत्र रचते हो, तो ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपकी रक्षा करता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इसका प्रयोग यूं ही नहीं करना चाहिए कि आपने क्रम बना लिया, बस आपका मन है, आप कर रहे हैं, आपको हनुमान जी की साधना करनी है, आप दूसरे माध्यमों से कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग है खासतौर पर शत्रु बाधा निवारण के लिए किया जाता है, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को दंडित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका पाठ एक ही स्थान पर बैठ करके अनुष्ठान का संकल्प लेकर के 21 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का और जो धर्म परायण है, जो अपने मन से सच्चे हैं, उनका ही साथ देते हैं। 21 दिनों में आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करेंगे, तत्काल प्रभाव आपके समक्ष होगा। बिल्कुल, तो ये बजरंग बाण जिसके बारे में आचार्य जी ने विस्तार से हमें बताया, लेकिन कुछ अनुष्ठान है इसका, कुछ विधि विधान है इसका, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इसे ऐसे ही नहीं किया जाता है और होती है कुछ चीजें ऐसी जिसके लिए आपको काफी परहेज करनी पड़ती है, काफी ध्यान देना पड़ता है, और तभी जिस तरह से 21 दिन में यहाँ पर तुरंत फल मिलने की यहाँ पर बात गई, तो वही है कि उस अनुष्ठान को आपको फॉलो करना होगा, उस विधि विधान को आपको फॉलो करना होगा। ऐसे ही कुछ और मंत्रों के रहस्य को हम जानेंगे, ऐसे ही कुछ और बातें जो बजरंग बली से जुड़ी हुई है जानेंगे, खास पेशकश जय जय बजरंग बली, जिसमें हम सिर्फ वो 5 मंत्र जो आपका बेड़ा पार कर देंगे, जो उद्धार कर देंगे, वो बता रखे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और आचार्य जी, बिना देर किए मैं चाह रही हूँ कि वो 2 मंत्र भी आप यहाँ पर बता दें हमको, जो हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद है, लाभ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 मंत्रों के बारे में हमने चर्चा की, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा मंत्र। यह तीसरा मंत्र है ओम तेजसे नमः। इस मंत्र का जाप करने से यदि आपके अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत ही कम समय में आपके अंदर आत्मविश्वास पुनः वापस आने लगा है। इसके बाद ओम प्रसन्नात्मने नमः। यह मंत्र खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में दुख का बहुत ज्यादा इस समय अंबार लगा हुआ है, सुख का अभाव है, तो ऐसे में ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का उच्चारण करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जीवन में धन ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन अंदर से जो सुख आना चाहिए, जो संतुष्टि, जो खुशी आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती, तो मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का जाप करना नितांत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत छोटे छोटे मंत्र, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ बहुत भारी भरकम हो, लेकिन फिर भी आचार्य जी मंत्रों का जप करते टाइम बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो क्या कुछ नियम भी होते हैं, और अगर होते हैं तो किन नियमों के तहत हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। जब आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो मंत्रों के प्रयोग के बारे में, जाप करने की विधि के बारे में आपको जानकारी हो। मंत्र का जाप करते समय मंत्र भाव के अनुरूप और एकाग्र होना चाहिए। भाव आपका इतना गहन हो कि उसमें डूब करके स्वयं की सुध ना रह जाए, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। शास्त्रों में मंत्र को 125,000 की संख्या में जाप करने का निर्देश प्राप्त होता है। मन की शुद्धता, समय की शुद्धता, माला का प्रयोग और दीपक आदि का महात्म जो है हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप हनुमान जी के लिए मंत्रों का जाप और प्रयोग करना चाहते हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो खास तौर पर आपके लाल वस्त्र, लाल आसन और आपकी जो माला हो वो लाल चंदन की माला हो,
पूर्व मुख या उत्तर मुख बैठ करके आप जाप करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या महिलाएं भी कर सकती हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है, ऐसा माना जाता है। तो गृहस्थ जीवन की अगर बात करूं तो गृहस्थ जीवन में इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक आम भ्रांति हमारे आम जनमानस में फैल गई है, भ्रांति यानी एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि महिलाएं कन्याएं या खासतौर पर विवाहित महिलाएं हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल गलत है। हनुमान जी की पूजा आराधना या हनुमान जी से जुड़े हुए जो मंत्र प्रयोग हैं, खासतौर पर अगर हम सुंदर कांड के प्रयोगों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे गृहस्थ आश्रम से संबंधित 99% ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुंदर कांड का प्रयोग बहुत ज्यादा लाभकारी और प्रभावशाली है। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो महिलाओं का स्पर्श हनुमान जी के लिए वर्जित होता है। हनुमान जी की पूजा महिलाओं के लिए कदापि वर्जित नहीं बताई गई है, हमारे धर्मशास्त्र इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं। तो आपको हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है, आप पूजा आराधना शुद्ध मन से स्वच्छ हृदय से करें, उनका स्पर्श ना करें। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आते हैं परिवार में, घर में, अगर पूरे परिवार के साथ सुंदर कांड का पाठ किया जाता है तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या कभी जन्म ले ही नहीं सकती। हमेशा आपका घर जो है मंगल और सुंदर बना रहेगा, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। चलिए, लेकिन जाने से पहले हम एक वो पांचवा और आखिरी मंत्र भी यहाँ पर आचार्य जी से फटाफट से जान लेते हैं। आचार्य जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो पांचवा मंत्र है ओम शूराय नमः। जब आपके अंदर साहस की कमी आ जाए, आपको ऐसा लगता है कि आपको इस जगह पर साहस की आवश्यकता है और आप थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, बल की कमी आ रही है, तो आत्मबल प्राप्त करने के लिए ओम शूराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सच्चे हृदय से आप हनुमान जी को अपने हृदय में ध्यान करें, इस मंत्र का जाप और प्रयोग करें। यदि आप अपनी जगह पर सही हैं तो ईश्वर आपका साथ देगा और हनुमान जी आपके साथ खड़े होंगे, आपको किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके शत्रुओं का भी यूं ही नाश हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो भी कुछ बताया है, कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद जाननी जरूरी है या कुछ ऐसी भ्रांतियां जो हम अपने इस शो के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से तोड़ पाए हो। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम भ्रांतियां, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो हमारे शो के जरिए टूटे तो वो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हमारे आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।